नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां होती हैं। ऐसे ही कुछ खबरों का पिटारा हम लेकर आए हैं सियासी रंग में। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी बिगुल बज चुका है। अब तक मिशन बंगाल की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन भी अपने आप को बंगाल की सियासी लड़ाई में अहम मान रहा है, लेकिन इन सब के बीच ममता सरकार और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अब पोस्टर वॉर में बदल चुकी है। बंगाल बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करते हुए ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच अब जंग और तेज हो गई है। भाजपा ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रचार अभियान बंगला निजेर मई के चाय का मुकाबला करने के लिए एक पोस्टर लॉन्च किया, जिसमें बीजेपी ने कहा कि बंगाल अपनी खुद की बेटी चाहता है, बुआ नहीं। इस पोस्टर में बीजेपी ने बंगाल से पार्टी की महिला नेताओं के चेहरे दिखाए। तो पश्चिम बंगाल में अब सियासी जंग जो है वो तेज हो गई है, वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है, सियासी घमासान साफ दिखाई दे रहा है, पोस्टर वॉर भी छिड़ गई है। वहां बीजेपी ने एक पोस्टर लॉन्च किया है जिसमें बंगाल की बीजेपी की महिला नेत्रियों के चेहरे हैं और यह कहा गया है कि अब बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। उमेश जी, जैसा अटकलें लगाई जा रही थी, जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल में चुनावी संग्राम बहुत प्रचंड रूप में देखने को मिलेगा, और वैसा ही सब कुछ हो रहा। पोस्टर वॉर भी वहां छिड़ गया है, बीजेपी ने भी एक पोस्टर लॉन्च किया जिसमें महिला नेत्रियों के चेहरे हैं, जो बीजेपी की महिला नेत्रियां हैं, और बुआ नहीं बेटी चाहिए ये नारा दिया है, क्या कहेंगे? जैसे ये चुनाव चरम पे पहुंचता जाएगा और तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वैसे वैसे ये सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप के दौर दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। और जो भाजपा ने एक पोस्टर लॉन्च करके ये बताने का प्रयास किया है पश्चिम बंगाल के जनता को, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को, कि अब जो है ममता बनर्जी, जिनको उन्होंने बुआ का खिताब दिया है इस पोस्टर में, कि अब इनकी नहीं, जो और भी भाजपा की बहुत सारी नेत्रियां हैं, भाजपा की जो बहुत सारे नेता है, महिला नेता है, उनके उसमें फोटो लगाए हैं और उनको बताया है कि ये यहाँ की दीदी हैं और इनकी अब जरूरत है, इनका समय हो चुका है। तो इस तरह के ये आरोप प्रत्यारोप होंगे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि तृणमूल कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ इस तरह का कोई एक पोस्टर वार जारी करेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार ये देखने को मिलेगा। उमेश जी, एक बात और भी है, पिछले चुनाव से हम देख रहे हैं, लोकसभा का जो चुनाव था पिछला, उसमें भी हमें देखने को मिला, जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी जिस सदी हुई चाल से अपनी रणनीति के तहत चुनाव में अपनी ताकत झोंकती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई बार जो है मूल मुद्दे पीछे चले जाते हैं और पार्टियों का आपस का जो है वो जंग जो है वो खुलकर दिखाई देती है। यहाँ पर भी मुद्दे गौड़ होते दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आगे जाके ये जो चुनाव है पूरे किसी मुद्दे को लेकर ही होंगे, या इस तरह की ममता को हटाना है इसलिए बीजेपी बात करेगी, या जो तृणमूल कांग्रेस अपनी रणनीति पर चलेगी? मुद्दे अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये भाजपा शुरू में तो जरूर मुद्दों को लेकर चलती है और मुद्दों को लेकर बात करती है, लेकिन और यही हाल दूसरे विपक्षी दलों का भी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जाते हैं तो ये मुद्दे गौण हो जाते हैं और मुद्दे एक तरफ छूट जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर एकदम काफी बढ़ जाता है। आपने पिछले कई चुनावों में देखा होगा कि शुरुआत में जो मणि शंकर अय्यर ने नीच बोला था और चाय वाले बोला था, तो वो इस तरह की चीजें हो जाती हैं, मुद्दे दब गए थे और ये सारे मुद्दे एकदम हावी हो गए चुनाव में। तो ये अक्सर हर चुनाव में, चाहे बिहार के चुनाव में आप देख लें या और दूसरे चुनाव में भी देख लें, यही हाल कुछ पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और दोनों ओर से लगेंगे। शुरुआत जरूर कहीं और से होती है, लेकिन उसके बाद फिर ये लगातार चीजें बढ़ती जाती हैं
और मुद्दे जो होते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं और जिनको वास्तविकता में बात की जाना चाहिए, और आम मतदाता और जनता जो है जिन जो चाहती है कि जिन मुद्दों पर चर्चा हो और जो बात हो, तो राजनीतिक दल के जो नेता है वो उन मुद्दों को छोड़ के कोई दूसरे ही मुद्दे पकड़ के और उसको तूल देना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ बंगाल में भी दिखाई दे रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।